हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग में वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। इससे क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी सीजीएल की बात करें तो एक या दो क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन ये टॉपिक जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी का दो, पुलिस का दो, रेलवे का दो, बैंक का एग्ज़ाम दो, आईएएस का एग्ज़ाम दो या कांस्टेबल का एग्ज़ाम दो, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिक हमें समझना होता है कि कितने डायरेक्शंस होते हैं और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के राइट और लेफ्ट में क्या देखा जाता है। ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस। ठीक है, जब भी हम लोग कॉपी पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके फोर मेन डायरेक्शंस होंगे। ऊपर क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ कहा जाएगा। ठीक है, यानी उत्तर दिशा। तो अगर आप नीचे जाएंगे तो ये साउथ कहा जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक है, अगर कोई बंदा इधर जाता है तो ईस्ट होगा, पूर्व दिशा, और अगर इधर जाता है तो वेस्ट होगा, यानी पश्चिम दिशा। ठीक है, ये मेन फोर डायरेक्शंस हमने लिखे हैं। ये चारों डायरेक्शन जो होंगे ये 90-90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, किस पे होंगे, 90-90 डिग्री पे, 90-90 डिग्री पे। ठीक है, अब इसके अलावा चार और डायरेक्शंस होते हैं, वो कहाँ होता है भाई, तो इनके बीच में कोई जाएगा, कहीं से भी जाए मतलब इनके बीच में रहना चाहिए, तो वो नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर दक्षिण और पूर्व की दिशा में जाए तो ये साउथ ईस्ट कहेंगे, यानी दक्षिण पूर्व दिशा। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और ये कहलाया जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब ये बीच में आठ, चार और आ गए तो टोटल कितने हो गए, आठ डायरेक्शंस हो गए। अब इनके बीच की जो वैल्यू होगी ये आपके 45 डिग्री पे मानी जाती है एज अ कैलकुलेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 45 डिग्री पर ही होगा तभी नॉर्थ ईस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर दिशा से ये राइट टर्न हो जाए 5 डिग्री, 10 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, तो ये सब जो होंगे नॉर्थ ईस्ट पे होंगे। 90 से पहले मतलब 89 डिग्री तक में, अगर 90 से ऊपर हो गए, मान लिया 100 डिग्री हो गया, तो यहाँ नॉर्थ से 100 डिग्री राइट टर्न करेंगे तो इधर कहीं आएगा साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये इस तरह से डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो होता है कि आपको राइट कैसे देखना चाहिए, तो ये राइट जो मैं लिख रहा हूँ, ये बनाया मैंने डिज़ाइन, ये राइट है। राइट का मतलब होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमेशा राइट लिया जाता है। ठीक है, और इसके उल्टी दिशा में कोई लेफ्ट जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपको लेफ्ट बनाना होता है। ठीक है ना, ये लेफ्ट जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये राइट और लेफ्ट देखना कैसे चाहिए, तो इस केस में जैसे मान लिया किसी बंदे, कोई बंदा जो है अपने घर से उत्तर दिशा क्यों जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, और यहाँ जाने के बाद मतलब यहाँ तक पहुँचा और उसको, या ऊपर पहुँचा और उसको जो है राइट टर्न करना है, तो वो किधर जाएगा, ईस्ट की ओर, और लेफ्ट में वेस्ट की ओर। ये जो राइट और लेफ्ट टर्न होंगे, ये लेफ्ट लिखा है मैंने, लेफ्ट मतलब हो गया कि वेस्ट क्यों जाएगा, तो जो ये राइट और लेफ्ट टर्न होंगे ना ये सब होंगे 90 डिग्री से। ठीक है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा दो तो यहाँ से 90 डिग्री इधर राइट टर्न किया, 90 डिग्री इधर लेफ्ट टर्न किया। ठीक है, अगर कोई बंदा अपने घर से नीचे गया मतलब साउथ में गया और राइट टर्न किया तो इधर जाएगा, लेफ्ट में इधर जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं साउथ से राइट इधर आ रहा है तो क्या आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में जा रहा है। ईस्ट वाले राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, नॉर्थ की ओर। वेस्ट फेस वाले के लिए लेफ्ट नीचे होगा तो राइट ऊपर होगा। ये राइट और लेफ्ट सब 90 डिग्री से टर्न होगा। ठीक है, अब मैं अपने घर से सपोज डैट नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट जाने के बाद मेरे को राइट टर्न करना है तो राइट इधर जाएंगे, मतलब इधर किधर, तो ये राइट जो है ईस्ट, इसको मत समझिएगा, ये राइट क्या है, 90 डिग्री से टर्न हुआ है ना, तो नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री पे ईस्ट होता है,
45 डिग्री और आगे बढ़ जाएं तो 45 45 कितने हो गए 90 डिग्री। तो ये जो राइट टर्न हुआ आप क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट की ओर ये जा रहे हैं, और लेफ्ट के केस में किधर जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक है। इसी तरह साउथ वेस्ट के केस में राइट इधर होगा तो लेफ्ट इधर होगा, साउथ ईस्ट के केस में राइट इधर तो लेफ्ट इधर, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में राइट इधर तो लेफ्ट इधर। ये इस तरह से आप देखिए ध्यान से, तो नॉर्थ के राइट में ऐसे घूमते हुए हम लोग आ रहे हैं, ये राइट ऐसे जा रहे हैं और लेफ्ट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट जो है ये ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। गलतियाँ जो होती हैं लोग इसी में करते हैं, इसको और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप ये सिंबल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये साइन अगर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट से अगर कोई नॉर्थ जाए ऊपर तो ये लाइन जो टच दिखा रहा है ना ये राइट दिखा रहा है, और नीचे के लाइन को साउथ मानेंगे तो ये साउथ से टच करते हुए जो लाइन जा रहा है वो साउथ वाले के लिए राइट है, ठीक है। ये किधर है भाई, तो ये ईस्ट है, ईस्ट वालों के लिए राइट इधर है, और ये क्या है वेस्ट है, तो वेस्ट वालों के लिए राइट ऊपर है, ठीक है। नॉर्थ के लिए राइट इधर, साउथ के लिए राइट इधर, ईस्ट के लिए राइट नीचे, तो वेस्ट के लिए राइट ऊपर। अब ये सब जितने भी बने हुए सब स्वास्तिक के निशान में राइट बने हुए हैं, तो अगर आप राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाएं तो ये डायरेक्शन आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाऊँ इधर तो ये क्या है नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए राइट हमें इधर ही दिखना है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये साउथ ईस्ट है तो इसके लिए राइट इधर होगा, ये साउथ वेस्ट है तो इसके लिए राइट इधर होगा, और ये क्या है हमारा नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वाले के लिए राइट इधर होगा, ठीक है। तो इनके बीच का भी स्वास्तिक बन जाता है, तो वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बनाया वो डायरेक्शन मेन यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ फिर से, ये डायरेक्शन जो बनाया मैंने उसमें हमने वो चीज दिखनी है, जैसे मैंने फिर से अलग फ्रेस बनाता हूँ, मैंने फ्रेस बनाया ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मेरा फेस जो है सपोज डैट नॉर्थ की ओर है, और मैं एक बार राइट टर्न करता हूँ ईस्ट की ओर फेस होगा, दो बार राइट टर्न करते हैं तो साउथ की ओर, तीन बार राइट टर्न करते हैं तो वेस्ट की ओर, और चार बार में वापस क्या होता है नॉर्थ की ओर होते हैं। तो अगर किसी बंदे का फेस कहीं भी दिया रहे और वो फोर के मल्टीपल में टर्न करे चाहे राइट और लेफ्ट, तो वापस सेम डायरेक्शन ही होंगे, ठीक है। जैसे नॉर्थ से मैं फोर टाइम्स राइट टर्न करूं तो नॉर्थ ही आएगा, लेफ्ट टर्न करूं फोर टाइम्स तो लेफ्ट ही आएगा, मतलब नॉर्थ ही आएगा। अगर मैं बोलूं 32 टाइम्स मैं राइट टर्न करता हूं तो भी नॉर्थ होगा, या लेफ्ट टर्न करता हूं 32 टाइम्स नॉर्थ से तो भी नॉर्थ ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दें कि सपोज डैट किसी बंदे का फेस डायरेक्शन जो है वो हमने दे दिया वेस्ट, ठीक है, और यहाँ से वो 39 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है, ठीक है, तो अब उसका फेस जो है वो किधर होगा, अब उसके फेस का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर आपसे पूछ दे बनाने के लिए तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए 39 टाइम्स लिखा है, अगर यहाँ 40 टाइम्स होता तब तो फोर के मल्टीपल होते तो आंसर वेस्ट का वेस्ट ही रहता, लेकिन 39 बोला है तो आप क्या करेंगे, 39 में आप फोर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 39 में फोर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 बार तक तो सेम ही डायरेक्शन होंगे वेस्ट होंगे, अब बचा 3 रिमाइंडर, तो अब उस केस में आपका वेस्ट से 3 टाइम्स लेफ्ट घूम जाना है, ये लेफ्ट है, ठीक है, तो वेस्ट से यहाँ वेस्ट है या इधर वेस्ट है तो 3 टाइम्स लेफ्ट जाओगे, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है जी। तो ये आंसर क्या बनेंगे, नॉर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई फोर का मल्टीपल नहीं हो तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे, वन रिमाइंडर आया तो एक बार घूम जाओ, लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट घूम जाओ, राइट बोला है तो राइट घूम जाओ, दो रिमाइंडर आया तो दो बार घूम जाओ, तीन आ जाए तो तीन बार घूम जाओ, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं, ओके क्लियर हुआ ये चीज़।
ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो है तो फिर सेम रहेगा, यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट बोले तो आप ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर इधर बना दूँ, इसी में मैं समझाता हूँ कि किसी बंदे का डायरेक्शन जो है फेसी वेस्ट की ओर ही है, तो और अब वो 5 times right, 3 times left, 2 times right, and then 5 times left घूम जाए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछे स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, और ये सिर्फ एक बार 39 टाइम्स ना घूम करके अलग अलग घूम रहा है, ठीक है, 5 बार दाईं ओर घुमा, 3 बार बाईं ओर, 2 बार दाईं ओर, 5 बार लेफ्ट बाईं ओर, तब अब उसका फेस डायरेक्शन पूछेगा क्या होगा, कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो आप क्या कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, 5 जितने भी राइट हैं सबको जोड़ लो, तो 5 और राइट और 2 राइट को ऐड किया, 7 राइट हो गए, ठीक है, 3 लेफ्ट 5 लेफ्ट को ऐड करनी है, 8 लेफ्ट हो गए। अब बड़े में से छोटे को माइनस करनी है, तो 8 में से 7 गया 1, 1 में से लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाले की वैल्यू अधिक है, जो डिफरेंस यहाँ पर आया है उसमें लेफ्ट लिखेंगे, अगर राइट वाले की वैल्यू अधिक होती तो आप राइट लिखते, ठीक है, तो 1 लेफ्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो वेस्ट था शुरू में वहाँ से एक बार लेफ्ट घूम जाएंगे, तो वेस्ट से एक बार लेफ्ट आप घूमेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाता है, प्लस माइनस इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन लिखे रहेंगे कि राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर वो राइट टर्न किया 8 किलोमीटर गया, फिर वो लेफ्ट टर्न किया 5 किलोमीटर गया, मतलब इस तरह से 4-5 केस दिए रहेंगे, राइट लेफ्ट बार बार रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, अगर पूछेगा आपसे कि बताओ उसका फेस किधर है, तो फेस आप डायरेक्शन निकालने के लिए आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सीधे आपको राइट और लेफ्ट काउंटिंग करके इस तरह से प्लस माइनस करके डिफरेंस निकाल देंगे। अगर जीरो आएगा तो सेम डायरेक्शन होगा, अगर 1 आया लेफ्ट है तो जो स्टार्टिंग में दिया रहेगा उससे आप लेफ्ट घूम जाइए, ठीक है, अगर राइट में आ रहा है तो राइट घूम जाइए। समझ में आ गई बात। यहाँ पर कभी कभी उल्टा भी पूछा जाता है, उल्टा क्या पूछा जाता है कि वो लास्ट का यानी बाद का पूछ देगा, फेस डायरेक्शन जो है वो दिया रहेगा और स्टार्टिंग का पूछ देगा, तब क्या करोगे, तो अगर यहाँ पर डिफरेंस लेफ्ट में आ रहा है तो उसको राइट में बदल देना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक बंदा इतना घूमा और शुरू में इसका फेस क्या था, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है, और नाउ फेस डायरेक्शन मैंने यहाँ वेस्ट लिख दिया, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डिफरेंस तो सही निकालेंगे, 1 लेफ्ट आया है तो अब इसको चेंज करके 1 राइट में बदल देंगे, ठीक है, और वेस्ट से अब क्या करेंगे, 1 लेफ्ट ना घूम करके 1 राइट घूम जाएंगे, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो नॉर्थ आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखनी है, उल्टा भी पूछता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। राइट के जगह आपको क्लॉकवाइज भी लिख सकता है, लेफ्ट के जगह एंटी क्लॉकवाइज लिख सकता है, तो मतलब वही होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग तब तक। अब देखिए ये क्वेश्चन में इफ द स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन मैंने क्या दिखाया है, साउथ वेस्ट की ओर है, वो वहीं से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, तो अब उसका फेस डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को जोड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से जोड़ते हो तो 180 आता है, और एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से जोड़ते हो तो यहाँ पर वैल्यू कितना आता है, 225 आता है, फिर दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे क्या कीजिए, ये दोनों को आप यहाँ पर माइनस कीजिए, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद बचा आपके सामने क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का डिफरेंस, 45 डिग्री आएगा, बड़े वैल्यू कौन है, 90 वाली, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब साउथ वेस्ट से आपको यही घूम जानी है, साउथ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो साउथ वेस्ट बना हुआ है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट होगा, तो ये क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आंसर साउथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्लॉक वाइज में डिग्री वाइज भी रहेगा, तो दोनों को सबको जो भी लेंगे प्लस करेंगे सेम वाले का, और फिर डिफरेंट वाले से माइनस कर लेंगे, और जो बचेगा उससे घूम जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अगर बाद में साउथ वेस्ट जा रहा था स्टार्टिंग में,
पूछा जाता, क्वेश्चन मार्क रहता कि शुरू में बताएं उसका फेस क्या था, अभी जो है वो साउथ वेस्ट है, तो आप बनाते तो इसी तरह, ठीक है। डिफरेंस आया यहाँ पर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज में चेंज कर देंगे और फिर जो लास्ट में साउथ वेस्ट दिया रहेगा उससे आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आंसर फिर क्या बनेगा, वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको, ये सब जो मैंने जो भी डिस्कस किया ये क्वेश्चन जो है आपको फेस डायरेक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने जो लिखा है ये तीन टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, फेस डायरेक्शन आपसे पूछेगा, चेहरे का दिशा क्या था, घर से निकलते वक्त अगर दिया रहेगा तो ऑफिस पहुंचते वक्त आपसे पूछेगा, अगर ऑफिस पहुंचते वक्त फेस डायरेक्शन दिया रहेगा तो घर से निकलते वक्त क्या था ये पूछेगा, और ये दोनों ही मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ये सब फेस डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है मैंने डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा पे है, अब कोई भी बंदा अपने घर से निकलता है तो राइट लेफ्ट चलते हुए ऑफिस पहुंचता है, तो वहां पर घर से ऑफिस कौन से दिशा की ओर है ये पूछता है, या उसका उल्टा ऑफिस से घर कौन से दिशा की ओर है। और तीसरे टाइप का क्या पूछा हमने, लिखा है डिस्टेंस, कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड और थर्ड डिस्कस करेंगे। तो देखिए मान लिया ये पॉइंट मैंने दिया ए और ये पॉइंट दिया हमने बी, ठीक है, और इस लाइन को मिला दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या पूछ सकता है, डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, अगर पूछे तो क्या आंसर होगा, और अगर आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है, ए से बी किधर है, बी से ए किधर है, यही क्वेश्चन टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में फ्रॉम किस में लगा, बी में, यानी बी से ए किधर है, तो बी से खड़े होकर ए की ओर देखेंगे तो ये कौन से डायरेक्शन में आएगा, तो जहां फ्रॉम लगा रहेगा ना, यानी जहां से आपको देखना है दूसरे का निकालना है, तो उसमें आप प्लस बना सकते हैं। प्लस बनाने का मतलब क्या हुआ, ऊपर का ये सेंटर पॉइंट हो गया, नॉर्थ ऊपर हो गया, इधर का लाइन वेस्ट हो गया, तो ये इसके बीच से जा रहा है, तो बी से ए जो अगर देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की ओर देखेंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, मतलब ए से खड़े होकर बी की ओर देखेंगे, ठीक है, तो फिर ए के पास प्लस बना सकते हो आप, ये साउथ है और ये क्या है, ईस्ट है, तो ये क्या बोला जाएगा, साउथ ईस्ट की ओर बी है, ए से बी किधर है, साउथ ईस्ट की ओर, तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे बनाते हैं हम लोग, जब भी आपसे पूछे अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्लस बना सकते हैं जहां से आपको टर्न करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं इस पॉइंट से मेरे को साउथ जाना है, तो आप प्लस बना लो इस पॉइंट पे, तो साउथ नीचे का लाइन होता है तो आप नीचे आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ है लेफ्ट जानी है तो लेफ्ट इधर होगा, है ना, तो ये लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर होता है, ये कौन सा दिशा है ये जानने के लिए मैं यहाँ पर प्लस बनाऊंगा, तो इधर का लाइन ईस्ट की ओर नजर आएगा तो ईस्ट की ओर जा रहा है, ऐसे करके बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगी तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड की बात करें, डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि ए अपने घर से गया, किधर गया भाई, तो ईस्ट की ओर गया, कितनी दूर, तो 4 किलोमीटर, फिर वहां से वो राइट टर्न किया और बी पॉइंट पे पहुंचा और यहां से गया 3 किलोमीटर, ठीक है। ए ईस्ट की ओर 4 किलोमीटर गया, फिर राइट टर्न करने के बाद 3 किलोमीटर आगे बढ़ा तो बी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछेगा बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो जब ऐसे पूछे तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज होता है, वो क्या होता है देखिए मैं बता दूँ आपको, कोई भी 90 डिग्री के सामने को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, अब ये फॉर्मूला यूज होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा इसे सॉल्व करके, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 और 9 25 हो गए, 25 का स्क्वायर 5 हो गया, आंसर आपका 5 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से बना सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है 3 4 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो अगर याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको ये राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बनता है उसमें आपको ये यूज करके डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये तो मैंने सिंपल दिया है, अब इसमें और भी राइट लेफ्ट जा करके वो इस तरह से बना सकता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ सेकेंड थर्ड के लिए लाइन ड्रॉ करनी है,
फर्स्ट के लिए आप सीधे काउंट कर लेंगे कि वो गया डायरेक्शन में तो राइट टर्न किया। अब यहाँ पर मैं बिना लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ ना कि भाई पहले तो ईस्ट की ओर गया और फिर राइट टर्न किया फिर रुक गया, तो ईस्ट की ओर राइट टर्न करेंगे तो कहाँ आएंगे, नीचे यानी साउथ की ओर। तो उसका चेहरा अभी किधर है, तो एरो नीचे क्यों दिखा रहा है, मतलब साउथ की ओर है। तो हम बिना लाइन ड्रॉ किए कर सकते हैं ना, ईस्ट से राइट टर्न करेगा तो साउथ हो जाएगा, और भी दे सकता है फिर लेफ्ट किया राइट किया, तो आप उसी तरह काउंटिंग कर लेना राइट लेफ्ट राइट राइट को लेफ्ट लेफ्ट को, फिर डिफरेंस कर लेना। वहाँ पर डिस्टेंस नहीं ऐड करना है, सिर्फ गिनना है कितनी बार दाएँ घुमा कितनी बार बाईं ओर घुमा, उसी को टोटल राइट गिनिए टोटल लेफ्ट गिनिए, फिर दोनों का डिफरेंस लेकर के आप फेस डायरेक्शन निकाल दीजिए जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस भी आराम से निकाल सकते हैं, इस वाले केस में बन सकता है। ओके तो ये तीन टाइप के थे, मैंने आपको तीनों का बेसिक बना दिया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं, ठीक है। ओके उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।